स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट राइंड भोजपुरी में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। और आज हम अपने इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति को लेकर, जहां पर हम बताते हैं कि बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है। बता दें कि बिहार में मुखिया और उप मुखिया को पद से हटाने के पूर्व लोक प्रहरी की अनुशंसा जरूरी होगी, बगैर अनुशंसा के हटाना गैर कानूनी होगा। पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में पंचायती राज कानून का हवाला देते हुए कहा कि पंचायती राज कानून में लोक प्रहरी की भूमिका होने के बावजूद आज तक इस संस्था का गठन नहीं किया गया और आज भी पंचायतों में बगैर लोक प्रहरी की अनुशंसा के मुखिया पर कार्यवाही की जाती रही है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने कौशल राय की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला दिया। बता दें कि कोर्ट को बताया गया कि पद के दुरुपयोग के आरोप में पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव ने मुखिया को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन पद से हटाने के पूर्व लोक प्रहरी से अनुशंसा नहीं की गई, जबकि पंचायती राज कानून की धारा 18 में संशोधन कर मुखिया व उप मुखिया प्रमुख को हटाने के पूर्व लोक प्रहरी की अनुशंसा लेने का प्रावधान जोड़ा गया है। यह संशोधन एक दशक पूर्व ही पंचायती राज कानून में किया गया, लेकिन इस नए प्रावधान के तहत अब तक लोक प्रहरी संस्था का गठन ही नहीं किया गया और राज्य सरकार के अधिकारी लोक प्रहरी की शक्तियों का अपने ही स्तर से इस्तेमाल कर कार्यवाही कर रहे हैं। बता दें कि याचिकाकर्ता ने इस तरह की कार्यवाही को गैर कानूनी बताया। उनका कहना था कि सीतामढ़ी के ही डुमरी प्रखंड के बरियारपुर ग्राम पंचायत के मुखिया पर उनके मुवक्किल से ज्यादा गंभीर आरोप होने के बावजूद उन्हें केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, जबकि आवेदक को पद से हटाने का आदेश जारी किया गया। लोक प्रहरी जैसी संस्था के नहीं होने के कारण अधिकारी मनमानी करते हैं कोर्ट ने आवेदक की अर्जी को मंजूर करते हुए प्रधान सचिव के आदेश को निरस्त कर दिया। बता दें कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेक्स्ट राइंड भोजपुरी। नमस्कार।